दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण आप सबका हमारे YouTube चैनल RKG में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की रात में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे सामने घट रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस वीडियो को साझा किया जाए। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूंखार शिकारी हमारे सामने पड़ा हुआ था, तो हमने इसे वीडियो में कैद कर लिया, कैमरा में कैद कर लिया, उसके बाद आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, एक सांप जो कि शिकारी है और एक सांप जो इस सांप का शिकार बन गया है, उसे ढोंढ सांप के नाम से जाना जाता है, और जो शिकारी सांप है हमारे इंडिया का टॉप मोस्ट जो वेनोमस स्नेक होते हैं उनमें से एक सांप है, जिसे करेत के नाम से जाना जाता है, यानी कि बैंडेड करेत के नाम से जाना जाता है। इस सांप को कहीं कहीं पे राज सांप के नाम से भी जाना जाता है, राणा सांप के नाम से भी जाना जाता है। राज सांप क्यों है दोस्तों, क्यों नाम पड़ा है इसका राज सांप, एक बार देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सांप जो है दूसरे सांपों को खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कोई भी सांप इसके सामने बच कर नहीं जा सकता, चाहे कितना ही खतरनाक कितना ही जहरीला क्यों ना हो। ये जो सांप है दूसरे सांपों को खाकर ही जीवित रहता है, इसीलिए इसे राज सांप के नाम से जाना जाता है। आप लोग इस सांप को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप देख सकते हैं इसका खूबसूरती पे कभी नहीं जाइएगा, ये जितना खूबसूरत देखने में लगता है उतना ही खतरनाक जहर इसके पास इसके अंदर पाया जाता है। ये जो सांप है इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो कि इंसान को अगर काट ले तो इंसानी जिस्म को लकवाग्रस्त कर देता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर ये सांप कभी काट ले तो झाड़गुनी ओझा झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके आप लोग हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिएगा और इसका एंटीवेनम ही लगाने से जाकर इसका इलाज किया जा सकता है, इसके जहर को उतारा या मारा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने लोगों को दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि ये सांप कैसे दूसरे सांपों को खाता है। क्या आपने कभी इस सांप को लाइव देखा है खाते हुए किसी सांप को? हम लोग तो देख करके एकदम आश्चर्य हो गए, जितने जन भी थे यहाँ पे, हम लोग 3 जन करीब हैं। गनीमत हो कि हमारे पास माइक था, वरना आप लोगों को मैं बता नहीं पाता। इसे कैमरा यानी कि मोबाइल के साथ ही कनेक्ट करके आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी साझा कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के पास तो अभी शेयर बटन है, आप लोग शेयर करिए और लोगों तक इसकी जानकारी को पहुँचाइए। कहा जाता है कि इसकी जो पूँछ है पूँछ में जहर पाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ अफवाह है, इसकी पूँछ में कोई जहर नहीं होता है। इसकी पूँछ में हालांकि एक नुकीला नुमा कुछ यंत्र तो नहीं कहेंगे, कुछ हड्डी निकला हुआ रहता है, उससे वो मिट्टी को खोदने का काम करता है। कई बार आप लोग देखते होंगे ये सांप जो है खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले पाए जाते थे, अभी तो जहर के इस्तेमाल करने की वजह से ये सांप भी खेतों में दिखाई नहीं देते हैं, अभी नदियों में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर सांप, क्योंकि दूसरे सांपों को जैसे ढोंड़ सांपों को खाने के लिए ये नदी में ही विचरते रहते हैं। और इसका जो मैं बता रहा था कि इसका जो हड्डी नुमा निकला हुआ रहता है पूँछ के पास, वो खेतों के पास छेद करके रहता है या छेद बना करके उसके अंदर घुसने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए दोस्तों इस फेरा में या डर में मत रहिएगा कि इसके पूंछ से भी ये जहर अंदर इंजेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका जो दांत होता है, इसका जो फैंग्स यानी कि जहर वाला दांत होता है, वो काफ़ी अंदर में पाया जाता है, इस वजह से भी ये ज़्यादा देखिएगा कि काटता नहीं है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ही कम लोगों को देखे होंगे इसका शिकार होते हुए। ये सांप जल्दी काटता नहीं है क्योंकि इसका जो विषदंत होता है अंदर की ओर होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को जानकारी दे पाया। आप देखिए दोस्तों कैसे खा रहा है, देना लाइट देना थोड़ा, आप देख सकते हैं दूसरे सांप को दबोच करके उसके अंदर जहर इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से अगर किसी इंसान को जहर इंजेक्ट कर दे तो कुछ ही देर में उस इंसान की मौत हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक जानकारी को साझा कर पाया और दिखा पाया। आप देख सकते हैं दोस्तों छोटा वाला जो सांप है वो तड़प रहा है, यानी कि उसके अंदर जहर घुस चुका है। आप देख सकते हैं जीभ निकाल रहा है, ये कुछ ही देर बाद इस
करेत यानी कि बंडेड करेत सांप के पेट के अंदर होगा और इसका निवाला बन चुका होगा। क्या आप कभी ऐसा घटना अपने जीवन में देखा है? ज़रूर कमेंट करिएगा। इसे ज़्यादा हिलाओ मत, उधर हिलाओ मत, भागने उन्हें की कोशिश करेगा यहाँ से। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं काफ़ी नज़दीक इसके आ चुका हूँ, फिर भी ये भाग नहीं रहा है। दरअसल दोस्तों, सांपों को काफ़ी मुश्किल से ही भोजन प्राप्त हो पाता है, बहुत दिनों बाद, कभी कभी तो कई महीनों तक ये बिना खाए पिए भूखे प्यासे जीवित रहते हैं। इसी वजह से जब भी आप देखते होंगे कोई सांप मेंढक या किसी छोटा मोटा प्राणी को पकड़ लेता है, चाहे उसका मुंह क्यों ना फट जाए, फिर भी अपना निवाला को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही ये सांप, अरे हिल रहा है, ऐसे ही ये सांप आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, फिर भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसे पता है कि अगर इंसान चाहे तो इसे मार भी सकते हैं, उसे पता है कि अपनी मौत पर भी अपने जीवन पर भी खतरा बन आया है, लेकिन वो अपने निवाला को छोड़ नहीं रहा है। दोस्तों, इसे तो हमने काफ़ी डिस्टर्ब किया। कहा जाता है दोस्तों कि भोजन करते हुए किसी इंसान तो क्या किसी भी प्राणी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये अपना भोजन कर रहा है, इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के खातिर यहाँ पे बैठ करके इसे डिस्टर्ब किया। इसके लिए मैं इसे माफ़ी मांगता हूँ, आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ से हम लोग निकलते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।